ऊना में होने वाली अंडर 16 क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए लाहौल टीम ने कमर कस ली है। इन दिनों हाथी हाथ में गर्मी के बावजूद लड़के प्रशिक्षण शिविर में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। आपको बता दें कि लाहौल स्पीति की अंडर 16 क्रिकेट टीम का पहला मैच ऊना में 19 अप्रैल को स्थानीय टीम के साथ खेला जाएगा और 21 अप्रैल को कुल्लू की टीम के साथ खेला जाएगा। ऊना में होने वाली अंडर 16 क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए लाहौल टीम ने कमर कस ली है। ऊना जिले में जिस तरह का गर्मी का मौसम होता है उसे ध्यान में रखते हुए लाहौल स्पीति की टीम हाथीथान में कड़ी धूप में अभ्यास कर रही है ताकि ऊना के तापमान के अनुसार वे खुद को ढाल सकें। टीम के कोच ने बताया कि इस क्रिकेट प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए उनकी टीम जी जान से कड़ा अभ्यास कर रही है। उन्होंने प्रदेश क्रिकेट अध्यक्ष अनुराग ठाकुर और लाहौल स्पीति के क्रिकेट एसोसिएशन अध्यक्ष गौतम ठाकुर का धन्यवाद व्यक्त किया और बताया कि खिलाड़ियों को खेलने के लिए अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं। हमारे लड़के 9 दिन का कैंप लगाया इनका, अच्छी धूप में खूब पसीना बहा रहे हैं और खूब जोर शोर से प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके लिए मैं सबसे बड़ा श्रेय अपने हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री अनुराग ठाकुर और लाहौल स्पीति क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष गौतम ठाकुर जी को देता हूँ, जिनके कारण ये हमारे लड़के अच्छी सुविधाओं के साथ यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमें ग्राउंड की कमी थी, उन्होंने यहाँ हाथीथान में हमें ग्राउंड मुहैया करवाया, नेट्स मुहैया कराए और यहाँ पर बहुत अच्छी प्रैक्टिस हमारे बच्चों द्वारा की जा रही है। इसमें से कुछ लड़के ऐसे हैं जो कि नेशनल लेवल तक खेलने का क्षमता रखते हैं। ठीक, अच्छा चला हमारा प्रैक्टिस, बहुत अच्छा चला। मैं बीच बीच में मैं भी देखने आता हूँ और 8-10 से लेकर सुबह 2 बजे तक कंटिन्यू है प्रैक्टिस। इतना गर्मी में देखो, इतना गर्मी है फिर बहुत अच्छा खेल रहे हैं। हम सर खूब पसीना बहा रहे हैं, हमारी यही सोच होगी कि हम दोनों के दोनों मैच जीते जो हमारे ऊना में होने वाले हैं। हमारे को यहाँ पर अच्छी प्रैक्टिस मिल रही है, पूरे साल से हम सब लड़के खेल ही रहे हैं, तो इस साल हम ये चाहेंगे कि हमारे दोनों मैच अच्छे जाए और हम दोनों के दोनों जीते, जिससे हम आगे भी खेल पाएँ। और वहाँ पे देखा जाता है कि वहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। yes, sir. तो जो ये आप लोग जो ये दिन को प्रैक्टिस कर रहे हैं इसी कारण कर रहे हैं? यस सर, इसीलिए कर रहे हैं कि हमारे जितने भी खिलाड़ी हो वहाँ पर पहले खड़े ले 45 या 46 का तो टेम्परेचर होगा, इसलिए हम खड़ेंगे तभी हम मैच जीत सकेंगे, इसलिए हम खूब पसीना बहा रहे हैं। इसलिए तापमान में के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट।